विदेश टीवी के नाजरीन, कराची में थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी सी बारिश ने कराची की इंतजामिया का पोल खोल के रख दिया। ये वो बुरा हाल है कि इतना बुरा हाल है मैं आपको बता नहीं सकता, डाखाना है ये। थोड़ी सी बारिश हुई भी है, आधे में घुटनों तक मैं डूबा हुआ हूँ, गाड़ियाँ लोगों की बंद पड़ी हुई हैं, औरतें बच्चे बड़े बूढ़े सब जलीलो ख्वार हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और ये यहाँ पे ये हाल है, चारों तरफ यहाँ पे ये हाल है, पुल पर ट्रैफिक देख सकते हैं, चारों तरफ ट्रैफिक कुत्ते बुरी तरह जाम है, चारों तरफ ट्रैफिक बुरी तरह जाम है। तो आप ये ट्रैफिक का हाल देखें, निज़ाम यहाँ का देखें, हमारे पाकिस्तान में कराची में कराची वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, कराची वाले लावारिस हैं, कराची वाले लावारिस ही रहेंगे। ज़रा सी बारिश में ये हाल हुआ है, अगर बारिश तेज़ हो जाए तो ये तो मेरे ख्याल से डूब जाएगा पूरा। सैकड़ों गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई है, सैकड़ों गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई हैं, हमारी खुद की बाइक भी बंद हो गई थी, बड़ी मुश्किलों से स्टार्ट करी है। मेरा गला भी बैठ गया ट्रैफिक में फंसे फंसे। एक शराब बोर्ड से मैं आ रहा हूँ, मंडी गया था वीडियो बनाने, वीडियो मंडी की बनाते बनाते यहाँ पे हाल हो गया है कि देखे आप एम्बुलेंस से फंसी हुई, एम्बुलेंस दिखाओ सेल भाई, एम्बुलेंस दिखाओ, एम्बुलेंस गाड़ी में फंसी हुई है, पानी में फंसी हुई है, गाड़ियाँ पानी में फंसी हुई है, बाइकें पानी में फंसी हुई है, रक्षे गाड़ी में पानी में फंसे हुए, लोगों का बहुत बुरा हाल है। हर साल यही होता है, हर दफ़ा यही होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। बातें करते हैं कि जी हमने काम कर दिया, हमने नालों की सफाई कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ कुछ नहीं होता, कोई पुरसाने हाल नहीं होता। चारों तरफ देखेंगे आप, गाड़ियाँ बुरी तरह फंसी हुई है, आगे की तरफ इससे भी ज़्यादा पानी है, उधर हमारी गाड़ी भी, मैं आगे बाइक खड़ी करके आया हूँ, यहाँ खड़े ना खड़े होने की जगह थी, ये एम्बुलेंस बंद हो गई है, एम्बुलेंस बंद हो गई है, एम्बुलेंस को दिखाएं, अगर इसमें खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी होती, कोई पेशेंट होता तो क्या हाल होता, एम्बुलेंस बंद पड़ी हुई है यहाँ पर। तो मेरा भाई ये हाल है, कारें बंद पड़ी हुई है, गाड़ियाँ बंद पड़ी हुई है, रक्शे बाइकें बंद पड़ी हुई है, लोग ख्वार हो रहे हैं, फैमिलियाँ ख्वार हो रही है, बच्चे ख्वार हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल ना पहले था ना अब है, ना शायद मेरे ख्याल से आगे भी नहीं होगा। चलें जी, बाकी वीडियो आपको ऐसी दिखाते हैं, मुझे भी दिखा दो सुहेल भाई, पूरा मैं भी तरबतर हुआ हूँ, पानी में ये देख लो, घुटनों तक मेरे भी पानी है, ये पानी मेरा देखो पूरा घुटनों तक पानी है, और बस यही हाल सबका है। कराची वाले ज़रा सी बारिश में डूब गए, ज़रा सी बारिश में कराची वाले डूब गए भाई, ये लालू खेत डाखाना डूब गया, इसी तरह गोलीमार डूब गया, इसी तरह करीमाबाद डूब गया, इसी तरह तीनट्टी डूब गया, इसी तरह बड़ाबोट डूब गया। चले जी, अल्लाह हाफिज़ और निगहबान हो हमारा, बाकी वीडियो आपको ऐसे ही दिखाते हैं, चलो भाई। निज़ाम देखिए, निज़ाम के बारे में बताएं आप। गाड़ी देखिए, निज़ाम आपके सामने मेरा भाई, क्या बताएंगे निज़ाम के बारे में, निज़ाम ऐसा ही था, ऐसा ही है और ऐसा ही रहेगा, चाहे 70 साल गुजर जाए, पिछले जब तक ऐसी रहेगा मेरा भाई, जब तक हमारी आवाम शिकायत करेगी ऐसी, और हमारी आवाम ना कभी एहतजाज करेगी ना कभी आगे गली में घुसे थे, हमने बोला यहाँ पानी नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो भरपूर पानी है, उससे भी ज़्यादा पानी, गाड़ी पूरी नहाने वाली है अब। आइए तो भाई, अगर आप समझ रहे हैं मैं किसी झील में घूम रहा हूँ, किसी तालाब में घूम रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है भाई, हमारा इलाका है, इसी ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी रोड तो नजर नहीं आ रहा, बहरहाल ऐसा लग रहा है कि झील है, तालाब है, तो उसी तालाब में हमारी बाइक धक्का दे के चला रहे हैं। ये कितने अंदर जा चुकी है बाइक, ये देख सकते हैं आप, ये देखा, मैं भी रुकता जा रहा हूँ दिन ब दिन, अभी तक कोई अल्लाह माफ़ करे, और ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा हो रहा है, अंदर जा रहा है ये,
ये गटर नहीं खुला हुआ कि पानी निकल जाए। ओ भाई ये देख लो सुहेल भाई, अब तो मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही है। गाड़ी कितनी अंदर तक जा चुकी है देखें। लग रहा पूरी डूब जाएगी एंड में, मेरा हैंडल ले जाएगा। सही कह रहा है। हाँ यारो ये रास्ता है, मैं तो रास्ता ही भूल गया। लो लाइट ही नहीं है यहाँ पे। नहीं लाइट आ रही है, बता दो। हाँ ये देखें, ये हाल देखें आप। चले हम वीडियो पर इस्तेमाल करते हैं।